अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं प्रदेश कांग्रेस महासचिव सुनील शर्मा ने कहा कि जयराम सरकार के पास कोरोना सेंटर को अलग से बनाने के लिए कोई भी योजना नहीं है, जो कि अति आवश्यक है ताकि अस्पतालों में दूसरी बीमारियों का समय के ऊपर इलाज हो सके। कोरोना काल के 9 महीने बीत चुके हैं और अभी भी जयराम सरकार सोई हुई है और अस्पतालों को ही कोरोना सेंटर बनाया जा रहा है, जिससे दूसरी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना सेंटर को अलग से बनाने के लिए भाजपा की जयराम सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। सुनील शर्मा ने जयराम सरकार को असफल सरकार घोषित किया है और अस्पतालों को कोरोना सेंटर बनाने का विरोध किया है। सुनील शर्मा ने कहा कि अस्पतालों को कोरोना सेंटर बनाए जाने की वजह से आम जनमानस को दूसरी बीमारियों से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना संभव नहीं है, जिससे जनता को बहुत परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को कोरोना सेंटर के लिए अलग स्थान अलग इमारत को निश्चित करना होगा। हमीरपुर विधानसभा के राधा स्वामी भोटा चैरिटेबल अस्पताल को पिछले 9 महीनों से कोरोना सेंटर बनाया गया है, जिससे कि लोगों को दूसरी बीमारियों से निजात पाने के लिए परेशानी हो रही है। ऐसा ही हाल कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज का है। सरकार को जल्दी से जल्दी टेम्पररी स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए या किसी प्राइवेट बिल्डिंग को कोरोना सेंटर बनाया जाना चाहिए। कोरोना सेंटर को अस्पतालों से अलग करना होगा ताकि अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों का समय पर इलाज हो सके। देश में और प्रदेश में कोरोना बीमारी का प्रकोप जारी है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार और देश में मोदी जी की सरकार एक मूक दर्शक बन करके अपनी जिम्मेवारियों से बच रही है। कोरोना बीमारी का नाम लेकर के जो योजनाएं उनको बनानी चाहिए उसमें पूरी तरह से नाकाम है। ऐसा लगता है कि कोरोना बीमारी के चलते बाकी जो भी हमारे लोग हैं जो बाकी बीमारियों से जूझ रहे हैं उनकी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। हमारे डॉक्टर्स स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान के ऊपर खेल करके जो भी सुविधाएं उनको मिल रही हैं उससे कोरोना से लोगों को बचाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन जयराम जी, मेरी आपसे निवेदन है, आपकी जिम्मेवारी है योजनाओं को बनाना, आपको इन स्वास्थ्य सुविधाओं को समानांतर चलाना पड़ेगा। एक तरफ आपको कोरोना की बीमारी के इलाज के लिए काम करना होगा और दूसरी तरफ आपको जो भी दूसरी बीमारियां हैं ये जिन बीमारियों के लिए अस्पताल बने हुए हैं उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाना आपकी जिम्मेवारी है। आपको कोरोना सेंटर को अलग करना है, ना कि जो अस्पताल है आप उनको कोरोना सेंटर बना रहे हैं। हमारे भोटा का जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है उसको आपने 9 महीने से कोरोना सेंटर बनाया हुआ है। क्या आपने कभी महसूस किया कि आम जनमानस के लिए जो बाकी बीमारियां थी उनके इलाज के लिए उस अस्पताल का काम होता था? माना इमरजेंसी में आपने उनको कोरोना सेंटर बनाया, लेकिन अब समय आ गया है, आपको कोरोना सेंटर के लिए एक अलग स्थान निश्चित करना है, एक अलग इमारत को निश्चित करना है, ना कि आप अस्पतालों को कोरोना सेंटर बनाते जाइए। टांडा अस्पताल को आपने कोरोना सेंटर बना दिया तो आज की जनता जो है वो बिल्कुल परेशान हो चुकी है आपके काम करने के तरीके से, और इस तरीके से आप कोरोना के नाम के ऊपर जनता के विश्वास को आप एक गलत तरीके से अंजाम दे रहे हैं, जिसका कि आने वाले समय में जनता जवाब मांगेगी आपसे। और हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जनता की तरफ से मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, पुरजोर मांग करना चाहता हूं कि कोरोना सेंटर को आप अलग करिए और जितने भी हमारे अस्पताल हैं उनको बाकी इलाज के लिए जनता की सेवा में समर्पित होने दीजिए। अन्यथा जो दूसरी बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं उनका बहुत बुरा हाल है, और उनकी तरफ से मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि कोरोना सेंटर को आप अलग करिए, जिसके लिए प्राइवेट बिल्डिंग को लीजिए। और तो और, अब तो इतनी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग हो गई है, बिना ईंट पत्थर गारे से रातों रात बिल्डिंग जो है 1 महीने में तैयार हो जाती है। तो आपसे हमें तो वैसे तो कोई उम्मीद है नहीं, क्योंकि 9 महीने से आप सोए हुए हैं, लेकिन जनता की तरफ से, संगठन की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आपसे अपील करता हूं, मांग करता हूं कि आप कोरोना सेंटर को अस्पतालों से अलग कीजिए।